इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्विटर अकाउंट को कैसे वेरीफाई करते हैं, किन चीजों की जरूरत पड़ती है और अंत में कुछ टिप्स। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ट्विटर अकाउंट क्यों वेरीफाई करें, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, कई बार एक जैसे दिखने वाले अकाउंट होते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली अकाउंट कौन सा है। ऐसे में वेरीफाइड अकाउंट्स के आगे टिक मार्क देखकर आप असली अकाउंट को फेक अकाउंट से पहचान सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर आप ट्विटर पर अमिताभ बच्चन सर्च करते हैं तो कई अकाउंट्स आ जाते हैं। नाम भी एक जैसे हैं और तस्वीरें भी एक ही व्यक्ति की हैं, लेकिन असली ट्विटर अकाउंट वही है जिसके आगे नीले रंग का वेरीफाइड का बैच है। ये देखिए, यहाँ माउस लेके गए तो इसके आगे लिखा है वेरीफाइड अकाउंट। पहले ट्विटर पर वेरिफिकेशन करवाना आसान नहीं था, पर अभी कुछ ही दिन पहले ट्विटर ने एक नया प्रोसेस आम लोगों के लिए शुरू किया है और अब कोई भी अपना वेरीफाइड बैच पा सकता है। पर इसके लिए आपको 8 चीजों पर ध्यान देना है और इनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका फोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपने नहीं वेरीफाई किया तो ये प्रोसेस हम थोड़ी देर में ही देख लेंगे। दूसरी बात, आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड होना चाहिए और कॉन्फर्मेशन ना होने पर अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तीसरी चीज, आपको अपना बायो लिखना होगा ट्विटर पर, यानी कि अपने बारे में कुछ शब्द जिससे लोग आपके बारे में जान सकें। अगर आपका ब्रांड है या कंपनी तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। चौथी चीज, आपकी प्रोफाइल फोटो। बिना प्रोफाइल फोटो के वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपकी कंपनी है तो आप अपना लोगो भी डाल सकते हैं। पांचवी बात, आपका ट्विटर पर हेडर होना चाहिए। हेडर क्या है देख लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर होती है ये, जो यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट साइड में बाईं तरफ को आती है, और ये है हेडर। यहाँ पर ये हेडर होना जरूरी है। अगर आपने हेडर नहीं डाला तो आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। छठी बात, आपको अपना जन्मदिन या बर्थडे एंटर करना होगा। ये भी पर्सनल या व्यक्तिगत अकाउंट्स के लिए जरूरी है। सातवीं चीज, आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स डालना मत भूलिए, या फिर अगर आपका कोई ब्लॉग है, आपका कोई फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल, इसे आप डाल सकते हैं और इससे ट्विटर के स्टाफ को आपके क्रेडेंशियल्स या आपके बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा। आठवीं बात, आपकी ट्वीट्स की सेटिंग्स में ट्वीट्स पब्लिक होनी चाहिए, यानी कि सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर ट्वीट्स प्राइवेट हैं तो वेरिफिकेशन नहीं होगी। आइए, बातें बहुत हो गई, अब हम ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए verification.twitter.com और ये वाला पेज खुल जाएगा। ये है रिक्वेस्ट टू वेरीफाई एन अकाउंट। यहाँ पर देखिए, अब हम एक फॉर्म पर जाएंगे, नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना यूजर नेम डालिए। ये इसने अपने आप मेरा यूजर नेम डिटेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर ट्विटर में लॉग्ड इन हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई ब्रांड है, कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था है, तो आप इसे यहाँ पर टिक कर दीजिए, क्योंकि क्या कैसे एक ब्रांड है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे टिक कर दिया और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब वो मुझसे मेरा फोन नंबर पूछ रहा है। चलिए मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल लेती हूँ। उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि फिलहाल मैं इंडोनेशिया में हूँ। मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देती हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा है। मुझे वही वेरिफिकेशन कोड इस डब्बे में टाइप करना होगा। चलिए पहले मैं अपना मोबाइल चेक कर लेती हूँ। अब यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन का कोड टाइप करते हैं और ये एक्टिवेट फोन पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब हमारा फोन जो है वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप से इसने जो है ये कुछ बॉक्सेस में टिक कर दिया है, लेकिन मैं ये अनाउंसमेंट्स और ट्वीट अलर्ट्स और फॉलो रिकमेंडेशंस नहीं चाहती, तो मैं इसे डिसेबल कर देती हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब मेरे फोन की डिटेल्स आ गई। अब वापस से उसी पेज पर जाते हैं जहाँ पर लिखा था अकाउंट नॉट एलिजिबल फॉर रिव्यू। अब हम बैक पर जाते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं।
और फिर से वही किया नेक्स्ट। अब वो हमसे कुछ लिंक्स मांग रहा है वेबसाइट्स की, जिससे कि वो जान सके कि हम कौन हैं और ये ब्रांड या ये जो यूट्यूब चैनल है ये किस बारे में है। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और इधर पेस्ट कर लेती हूँ। अब ये रहा मेरा फेसबुक पेज, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अपनी वेबसाइट भी यहाँ पर डाल देती हूँ, जो कि है kyakaise.com। इसे कॉपी किया और वापस उस टैब में जा कर के ये पेस्ट कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर ये तीन लिंक्स डाल दिए हैं। अब वो बोल रहा है टेल अस व्हाई दिस अकाउंट शुड बी वेरीफाइड, यानी कि हमारा अकाउंट वेरीफाई क्यों होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ डाल देती हूँ। तो मैंने अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा लिख लिया। अब आपका अगर चैनल है या अगर आपकी कंपनी है, आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक किया और अब वो बोल रहा है प्लीज रिव्यू एंड सबमिट योर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टिंग टू वेरीफाई क्या कैसे, दिस इज अ कंपनी एंड ब्रांड अकाउंट। ठीक है, और उसने हमारे तीन लिंक्स दे दिए, ये भी ठीक है। और ये अकाउंट क्यों वेरीफाई होना चाहिए, मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया। चलिए तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट। अब एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। आप किसी और की वेबसाइट या किसी और का चैनल पेज यहाँ पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। चलिए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो वो बोल रहा है थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, द अकाउंट विल बी रिव्यूड बाय आवर टीम एंड वी विल गेट बैक टू यू विद आवर डिसीजन वाया ईमेल। तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है और अब हमें ईमेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि हमारा अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं। जाने से पहले तीन टिप्स। ट्विटर आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट क्यों वेरीफाई किया जाए। अगर किसी पर्सन या व्यक्ति का अकाउंट है तो उनके इम्पैक्ट या असर पर आपसे जानकारी मांगी जा सकती है। जब आप URL या लिंक्स सबमिट कर देते हैं तो उस व्यक्ति या ब्रांड से संबंधित लिंक्स दीजिए, ताकि ट्विटर आपको जान सके और ये वेरीफाई कर सके कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। हो सकता है कि आपसे आपका ID भी मांगा जाए, तो आप कोई गवर्नमेंट या सरकार द्वारा दिया हुआ डॉक्यूमेंट दीजिए, जैसे कि पासपोर्ट या आधार कार्ड सबमिट किया जा सकता है। आपकी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट पर ट्विटर जवाब देगा, लेकिन उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ हफ्ते भी लग जाएं। अगर आपकी वेरिफिकेशन डिनाई हुई या नहीं मंजूर हुई तो आप एक महीने के बाद दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, लेकिन देखते हैं कि ट्विटर मेरा अकाउंट वेरीफाई करता है या नहीं। जब मुझे इनसे कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आगे वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगी। जाने से पहले वेरीफाइड अकाउंट से संबंधित दो तीन मजेदार बातें आपको बता देती हूँ। ट्विटर पर जितने भी फेमस या प्रसिद्ध लोग हैं उनके नाम पर पैरोडी अकाउंट्स हैं, कई तो उनके फैंस ने ही बनाए हैं। जैसे कि ये हैं फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, ये असली अकाउंट है लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। किसी ने इनके नाम को इस्तेमाल करके मजेदार ट्वीट्स भेजनी शुरू कर दी। इनका अकाउंट असली राकेश झुनझुनवाला को भी बहुत पसंद आया और इन्होंने इनको संपर्क किया, इनसे कांटेक्ट किया और इन्हें कहा कि इन्हें इनका अकाउंट पसंद है। ये एक और एग्जाम्पल है, एक जर्नलिस्ट विनोद मेहता जो अब नहीं रहे, इनका भी ट्विटर अकाउंट था, लेकिन जो नकली या पैरोडी अकाउंट था वो इतना फनी था कि लोग उसे भी फॉलो करना शुरू हो गए। तो कभी कभी अनवेरिफाइड अकाउंट्स में भी जोक्स या अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिल जाते हैं। इसलिए वेरीफाइड अकाउंट्स के अलावा भी एक नई और अलग ही दुनिया चल रही है ट्विटर पर। क्या कैसे के चैनल पर 340 से भी ज्यादा वीडियो हैं। अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक का बटन जरूर दबाइए।
और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना आसानी से पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।